दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही मार्केट में कटहल आ जाते हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कटहल की सब्जी, वो भी मटन स्टाइल में कैसे बनाते हैं। तो स्वागत है आपका अपना स्वाद में, और आज का हमारा रेसिपी है कटहल मटन स्टाइल। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हमें गैस ऑन करते हैं और उसमें एक प्रेशर कुकर चढ़ाते हैं। ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 1 लीटर के लगभग नॉर्मल वाटर डालेंगे। ये देखिए, हम नॉर्मल वाटर डाल देते हैं धीरे धीरे करके। और ये हमने लिया है 400 ग्राम कटहर, जो अच्छे से काट के और 2-3 पानी से धो दिया है। और हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं एक एक करके। ये देखिए, हम एक एक करके प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। ये हमारा डल चुका है, सारे को डाल दिया है हमने। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेंगे, थोड़ा सा नमक लेंगे और इसे अच्छे से चम्मच से मिला देते हैं। और हम इसे 1 सीटी हाई फ्लेम तक लगने देते हैं। कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे कटहर को डाल देते हैं फ्राई करने के लिए, और हम इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा फ्राई हो रहा है, इसे 5 मिनट लगेगा। तब तक हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें ये हम तब तक पेस्ट तैयार कर लेते हैं अदरक लहसुन और मिर्ची का। ये देखिए, हमने लिया है 10 ग्राम जिंजर लिया है, 25 ग्राम गार्लिक और 4-5 हरी मिर्च लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्सर जार में पीस लेते हैं। ये देखिए, अब हमारा ये कटहर फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए, हल्का ब्राउन टाइप का हो चुका है। अब हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि तो ऑलरेडी इसे हमने कुकर में 60% पका दिया है। अब इसमें जीरा डाल रहे हैं थोड़ा सा, और 2-3 तेज पत्ता, और ये हमारा है दालचीनी। इसे हमें ज़रूर डालते हैं, हर सब्जी में हम डालते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ये डालना चाहिए। और ये हम 200 ग्राम प्याज लिए हैं कटा हुआ, इसे हम काट लिए हैं अच्छे से। देखिए, नॉर्मल हो जाए, ये वो टाइट है, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, सेम भूनेंगे। ये देखिए, हम इस तरह करके चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए, हमारा लगभग भुना चुका है। अब उसमें जो मैंने पेस्ट तैयार किया है लहसुन अदरक और मिर्ची का, वो हम पेस्ट डाल देते हैं इसमें। देखिए, हम डालिए। अब इसे हम 5 मिनट तक इसी तरह चलाते रहना है, ताकि इसका पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए, और हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अब हम मसाला ऐड कर रहे हैं। ये हमारा जीरा पाउडर है 1/2 चम्मच, ये हमारा धनिया पाउडर है 1/2 चम्मच, ये हमारा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, ये हमारा लाल मिर्च पाउडर है 1/2 चम्मच, ये हमारा काली मिर्च पाउडर है 1 चम्मच का, 1/4 देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ये हमारा मीट मसाला है, इसे मटन मसाला बोल दिए, मीट मसाला मोली जो भी बोलिए। और ये रहा हमारा लाल मिर्च पाउडर, मतलब काश्मीरी मिर्च पाउडर है ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ दिखने में लाल दिखने में लगेगा। और हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, और हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। और हम इसे वो जो हमारा मसाले वाला पानी बचा था, उसको हमने वेस्ट नहीं होने दिया है, इसमें ऐड डाल दिया है। देखिए, हम इसे अच्छे से 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे इसे, ताकि इसका मसाला अच्छा तैयार हो। ये देखिए, हम भून रहे हैं। ये देखिए, देखो हमारे दोस्तों, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। देखिए किस तरह एक दूसरे से चिपक गया है मसाला। ये देखिए, अब हम देखिए हमारा मसाला किस तरह एकदम पूरा लाल हो चुका है, पूरा पक गया है। अब हम इसमें जो हमने कटहर को फ्राई करके रखा था, वो हम डाल देते हैं। और हम इसे 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाना है, ढक 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 कर करके, ढक्कन ढक ढक करके पकाना है, तो इससे स्मेल बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा हम कटा हुआ धनिया पत्ता डाल रहे हैं, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये देखिए, अब हम इसे चला के जरा हम ढक्कन से ढक देंगे। ये देखिए, हम ढक्कन से ढक दिए हैं, और हमसे बीच बीच में चेक करते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये
ये देखिए, हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाले को पका दिया है। ज़्यादा पकाने से क्या होगा, ये दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आप हमने इसमें टमाटर नहीं डाला है, तो अगर जो आप इसमें टमाटर डालेंगे तो मटन जैसा स्वाद नहीं आएगा, तो वो एक स्वाद चेंज हो जाता है। तो आप जब भी कटहल की सब्जी बनाइए तो मटन का वो क्या बोलते हैं टमाटर मत डालिए, टमाटर डालने से इसका स्वाद चेंज हो जाता है। और ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है इसमें, ये हमारा पक चुका है, हम इसे 2-3 दिन उबाल आने देते हैं। ये देखिए हमारा किस तरह कटहल का सब्जी तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो चुका है। इसे हमने थोड़ा ज़्यादा पका दिया है कुकर में, आपको इतना ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए पूरा पक चुका है, देखिए हमने तोड़ के देखिए, दिखने में तो ये अच्छा नहीं लगेगा लेकिन खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो, अगर कम पकाएंगे तो दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने इसे सर्व करने के लिए धनिया का पत्ता थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है ताकि दिखने में अच्छा लगे। दोस्तों दिखने के साथ साथ खाने में अच्छा भी लगना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ दिखाना ही है, हमें खाने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो इस कटहल को ज़्यादा पकाएंगे। ये देखिए हमारा, अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इसी तरह